हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज हम आपको बताएंगे आरसीसी फ्लैट रूफ, और वो भी किसके साथ में, हीट थर्मल इंसुलेशन के साथ में। क्योंकि आपके पास में जो फ्लैट रूफ है, आरसीसी फ्लैट रूफ है, वो किसके साथ में, हीट थर्मल इंसुलेशन के साथ में। आपको हीट थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करके दिखाना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आप क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो क्वेश्चन आएगा आपको, क्वेश्चन पेपर में ऐसा आएगा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है मैंने, ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल नीट स्केच ऑफ आरसीसी फ्लैट रूफ, ठीक है। आरसीसी फ्लैट रूफ विद द थर्मल इंसुलेशन प्रोविजंस, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको ड्रॉ करके दिखाना है एक सुटेबल स्केल पर। स्केल आपको खुद एज्यूम करनी होती है, एक सुटेबल स्केल पर आपको दिखाना है, और वो भी आरसीसी फ्लैट रूफ। आरसीसी फ्लैट रूफ विद किसके साथ, थर्मल इंसुलेशन प्रोविजन के साथ प्रोवाइड करके आपको दिखाना है। यानी कि अगर हम बात करें, एक आरसीसी चपटी छत का उष्मारोधी पदार्थ की व्यवस्था दर्शाइए 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 उचित पैमाने पर चित्र खींचिए, ठीक है। तो अब देखो, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसे। अब आपको सब क्या है, एज्यूम करना होगा। आपको क्या करना होता है, एज्यूम। आपको यानी कि ये पॉइंट्स याद रहने चाहिए, एज्यूम सुटेबल डाटा, सुटेबल डाटा, ठीक है। क्या क्या आपको लेना होगा, जैसे थिकनेस ऑफ वॉल। सबसे पहले तो आपको थिकनेस ऑफ वॉल ही पता होना चाहिए कि आप किस वॉल पर रख रहे हैं आरसीसी स्लैब को। थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल आपको लेनी है 13 सेंटीमीटर, क्लियर, पहली बात। अब दूसरा आपको पता होना चाहिए थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब, थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब, थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब, जो स्लैब डाल रहे हैं। तो मैं 15 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर थिक मैं आरसीसी स्लैब डाल सकता हूं, तो मैं 15 सेंटीमीटर ले रहा हूं, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, आरसीसी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आरसीसी स्लैब के बाद आपको डालने होते हैं 2 कोट हॉट बिटुमेन, हॉट बिटुमेन, ठीक है। 2 कोट हॉट बिटुमेन, जैसे बस आपको लेयर डालनी है, इसकी थिकनेस कुछ नहीं होती। उसके बाद आपको डालनी होगी 5 सेंटीमीटर थिक, 5 सेंटीमीटर थिक, क्या, इंसुलेशन लेयर, जो हम यहां डाल रहे हैं ना थर्मल इंसुलेशन, तो आप थर्मल इंसुलेशन लेयर भी बोल सकते हैं, थर्मल इंसुलेशन लेयर, क्लियर। ये प्रोवाइड करनी है आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे, लाइम कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर थिक क्या करना है, सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड करना है, सीमेंट कंक्रीट, क्लियर है। और उसके बाद आपको डालना है नीट सीमेंट, नीट सीमेंट, सीमेंट लेयर, ठीक है। नीट सीमेंट लेयर आपको डालनी है, ये आपको टोटल वर्क करना है। और क्या प्रोवाइड करनी है, 16 सेंटीमीटर हाइट की, 16 सेंटीमीटर हाइट की पैरापिट, पैरापिट, और पैरापिट के ऊपर क्या डालते हैं आप, कोपिंग। ये सब आपको पता रहना चाहिए कि आपको क्या क्या यहां पर बनाना है, ठीक है। अब देखो, अब 30 सेंटीमीटर ये एक्चुअल डिस्टेंस है आपकी, किसकी, वॉल की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एज्यूम करनी होगी वो क्या, स्केल। बोला गया है ना, ड्रॉ द सुटेबल स्केल। आप कोई भी स्केल मान सकते हो, कोई भी स्केल, एनी बडी, कोई भी स्केल आप मान सकते हो। जैसे मैंने यहां पर स्केल मानी, मैंने स्केल एज्यूम की, एज्यूम की मैंने स्केल, मैं स्केल एज्यूम कर रहा हूं 1:10 का, ठीक है। आप स्केल ले सकते हो 1:20, 1:25, 1:30, जितनी भी आप लेना चाहो उतनी स्केल ले सकते हो। इस पर कोई बाउंडेशन नहीं होती कि मैंने स्केल 1:10 ली है तो आपको भी 1:10 लेनी है, ठीक है। मैं स्केल ऐसी क्यों लेता हूं कि आपको यहां पर ड्रॉ करके सही से दिखा सकूं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक। तो 1:10 मैंने स्केल ली, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे जो थिकनेस ऑफ वॉल है उसको डिवाइड करना होगा। थिकनेस ऑफ वॉल है 13 सेंटीमीटर। जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा
तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर थिक मैं क्या बनाऊंगा, वॉल। तो स्केल को मैंने क्या किया, 0 पर सेट, स्केल को मैंने 0 पर सेट किया। और यहां पर मैंने क्या ड्रॉ की, एक वॉल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक वॉल ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से लीजिए मैंने 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर थिक ली मैंने वॉल, ये मेरी 3 सेंटीमीटर थिक वॉल है। तो 3 सेंटीमीटर थिक वॉल मैंने ली और इसको जिगजैग फॉर्म में नीचे से कटिंग कर दिया। क्लियर है? अब मुझे डालनी है इसके नीचे जस्ट क्या थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब, जो मैं ले रहा हूं 15 सेंटीमीटर। कितनी ले रहा हूं, 15 सेंटीमीटर। और जब मैं 15 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर की क्या डालूंगा मैं, यहां पर आरसीसी स्लेब की थिकनेस डालूंगा। बट मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरी ये थिकनेस है कितनी है, ये मेरी थिकनेस कितनी है वॉल की, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर मेरी वॉल की थिकनेस है। कितनी, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो मैं इधर से आउटर साइड से 10 सेंटीमीटर, मैं आउटर साइड से क्या कर रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर छोड़ रहा हूं और 2 सेंटीमीटर तक ओवरलैप करा रहा हूं। मैं क्या करा रहा हूँ, ओवरलैप करा रहा हूं इस पर, किसको, स्लेब को। तो 2 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। यानी कि 10 सेंटीमीटर इधर छोड़ रहा हूं मैं, 13 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर इधर छोड़ा और 20 सेंटीमीटर मैंने ओवरलैप कराई। तो 20 सेंटीमीटर को मैंने 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर आया, तो 2 सेंटीमीटर मैं आगे लेकर गया इधर, इस पर वॉल पर ओवरलैप कराया और इसको लेकर गया मैं यहां पर ऐसे, ठीक। और थिकनेस कितनी है, 1.5, 1.5 की मेरी थिकनेस है, 1.5 सेंटीमीटर की मेरी क्या है, थिकनेस, ठीक। तो इस साइड से इसको रब कर देता हूँ, इतने ले लेते हैं, क्लियर। और इस साइड को मैं लेके चले जाता हूँ ऊपर ऐसे, ठीक है, वॉल की आउटर, आउटर वॉल में ऊपर लेकर गया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको दिखाने हैं इस पर 2 कोट हॉट बिटुमेंस, 2 कोट हॉट बिटुमेंस दिखाने से पहले आप क्या कर दो, इसमें प्रोवाइड कर दो सीमेंट कंक्रीटिंग, इसमें क्या प्रोवाइड कर दो, सीमेंट कंक्रीटिंग। ऐसा आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, सीमेंट कंक्रीटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। अब देखो, अगर आप इसमें बार शो करना चाह रहे हो, बार शो करना चाह रहे हो, जो बार वगैरह मैं बताऊंगा वो जब मैं आपको आरसीसी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट 4 सेमेस्टर में, तो उसमें सब बताऊंगा मैं कि बार कैसे कैसे प्रोवाइड करनी है। अब आपको क्या करना है, नीचे आइए यहां पर, यहां से 1 mm, 1 mm का गैप छोड़िए। 1 mm का गैप छोड़ने के बाद एक बार ऐसा प्रोवाइड कर दीजिए, एक बार आपने ऐसा प्रोवाइड की, ये आपकी है मेन बार, ठीक है, ये आपकी है मेन बार। और एक बार मैं यहां से, ठीक है, L/7 से ऐसे बैंड करते हैं, L/7 से बैंड करते हैं, तो बैंड के मैंने 45 डिग्री का एंगल लिया और इसको मैं ऊपर लेकर गया ऐसे, यहां से ऊपर लेकर गया और 1 mm का मैंने गैप लिया ऊपर से भी, और ये बार मैंने प्रोवाइड की और यहां पर हुक प्रोवाइड कर दिया, यहां पर हुक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ प्रोवाइड की, एक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ। कोई इसमें मैं आपको डिस्टेंस नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं जब आपको आरसीसी ड्राइंग पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेमेस्टर में तो उसमें बताऊंगा। अब देखो, जो मेरी ये है नीचे, सबसे नीचे जो मैंने प्रोवाइड की थी, इसको मैं ले रहा हूँ मेन बार, और ये मैं ले रहा हूँ 12 mm डाई की, क्या ले रहा हूं, मेन बार, ठीक, क्लियर। अब जो मैं यहां पर प्रोवाइड किए, ये मैंने गोले गोले से बनाए हैं, ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, ये मेरे क्या है, ये है मेरी, इनको मैं ले रहा हूं 8 mm डाई की, 8 mm डाई की डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। इनमें आप स्पेसिंग भी दिखा सकते हो, ठीक है, जितना वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। और जो ये ऊपर मैंने बैंड की है, ये ऊपर मैंने बैंड की है, ये वाली जो बार मैंने बैंड की है, ये क्या है मेरी, ये है मेरी, ये जो मैं जितना साइज मेरा मेन बार का होता है उतना ही हमारा बेंट अप बार का होता है, क्योंकि बेंट अप बार को ये बैंड करके, मेन बार को ही बैंड करके हम बेंट अप बनाते हैं। ये 12 mm डाई की क्या है, बेंट अप बार। ये चीज आप अगर दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आप बस ओनली सीमेंट कंक्रीट दिखा दो, अगर आपको याद रह जाए तो दिखा दो, नहीं तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये चीज आपको दिखाने की। अब आप क्या करेंगे, टू कोट, आपने स्केल को 0 पर सेट किया,
और टू कोट लेयर दिखाई होट बिटुमेन की। तो यहां पर आइए और दो थिन लेयर बना दो पेंसिल से ऐसे डार्क करके, पेंसिल से ऐसे डार्क करके दो थिन लेयर बना दो यहां पर, बनाई आपने। तो ये हो गए मेरे टू कोट होट्स बिटुमेन। ठीक, अब इसके जस्ट ऊपर मुझे क्या डालनी है, 5 सेंटीमीटर थिक क्या थर्मल इंसुलेशन की लेयर। अब देखो 5 सेंटीमीटर को मैं कितने से डिवाइड करूंगा भाई, स्केल से, स्केल से डिवाइड करूंगा 5 सेंटीमीटर को, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 तो इज इक्वल टू आपके पास 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि आप बोल सकते हो 5 mm। तो 5 mm आपने यहां पर लिया, 5 mm आपने यहां पर लिया, 5 mm ऐसे, और ये दिखाई आपने थर्मल इंसुलेशन लेयर, ये आपने क्या शो की थर्मल इंसुलेशन लेयर, और इसमें डॉट डॉट कर दो, थर्मल इंसुलेशन लेयर कुछ भी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो हमने यहां पर स्पेशल नहीं ली कि आपको यहां पर आपने क्या थर्माकोल की दिखाई है या और अदर किसी उसकी ली है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट यहां पर मार्क कर दीजिए। अब ये मेरी 30 सेंटीमीटर थी, अब 20 सेंटीमीटर की मैं ऊपर वो लेकर जा रहा हूं, कितनी 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की वॉल लेकर गया मैं ऊपर ऐसे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की मैं क्या लेकर गया, वॉल ऊपर ऐसे लेकर गया। क्लियर, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे डालनी है यहां पर 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम, लाइम कंक्रीट। 7.5 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास कितना आ गया 0.75 सेंटीमीटर, यानी कि मैं बोल सकता हूं 7.5 mm, यानी कि 8 mm की दिखा दूं, अगर मैं 8 mm की दिखा दूं यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने 7 mm, 7 या 8 mm के बीच की मैंने क्या ली यहां पर लेयर ली, और इसमें मैंने क्या दिखाई लाइम कंक्रीट दिखाई, इसमें मैंने क्या दिखाई लाइम कंक्रीट दिखाई, ऐसा शो कर देते हैं लाइम कंक्रीट। तो ये मैंने दिखाई यहां पर लाइम कंक्रीट, इसमें है मेरी लाइम कंक्रीट। अब इसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस लो, और यहां पर दिखा दो आप, यहां पर क्या शो कर दो, यहां पर शो कर दीजिए आप, क्या शो करनी है आपको थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट। तो इसमें आपने थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट शो की, थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट यहां पर शो की। ठीक है, बस आपको जस्ट सिंपल रखना है, नहीं तो मैं आपको बहुत सारे उसमें बता सकता हूँ क्वेश्चन में कि आपको ये प्रोवाइड कर दो, ये प्रोवाइड कर दो, इतना ये प्रोवाइड कर दो, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से क्या दे सकते हैं थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको डालनी है नीट सीमेंट, इसके ऊपर आपने क्या डाला यहां पर आए और एक नीट सीमेंट लेयर प्रोवाइड कर दी, फिनिश। ठीक है, फिनिशिंग ऑफ नीट सीमेंट कंक्रीट, नीट सीमेंट। ठीक है, ये होगी। अब देखो 60 सेंटीमीटर थिक आपको क्या डालनी है, 60 मतलब 6 सेंटीमीटर ऊपर आएगी, 6 सेंटीमीटर ऊपर आया, 6 सेंटीमीटर ऊपर आए यहां पर, और यहां पर इसको आपने ये बनाया ये, अब इसको किया यहां पर रफ, इसको किया रफ यहां पर, और आप आए 5 mm आपने इस साइड आउटर साइड में बाहर निकाल दिया, और 5 mm आपने इस साइड में आउटर साइड में बाहर निकाल दिया, और यहां से लिया 10 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे, और 5 सेंटीमीटर इनके 5 mm इधर से लो और 5 mm इधर से लो, और इसको ऐसे दिखा दो, कैसे ऐसे टेपर में करके यहां पर ऐसे दिखा दीजिए कोपिंग को, ये है आपकी कोपिंग, ये आपकी क्या है कोपिंग, किसकी सीमेंट कंक्रीट की, तो सीमेंट कंक्रीटिंग इसमें शो कर दीजिए, सीमेंट कंक्रीट आपने इसमें ऐसे शो की। क्लियर है, अब देखो अब आपको क्या दिखाना है, वाटर ड्रेन पाइप 10 सेंटीमीटर का मैं क्या ले रहा हूं, 10 सेंटीमीटर डाय का मैं ले रहा हूं वाटर ड्रेन पाइप, या रेन वाटर भी बोल सकते हो आप, रेन वाटर भी बोल सकते हो। तो 10 सेंटीमीटर का मैंने क्या लिया, यहां से आइए, यहां पर आप एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करो, क्योंकि वॉल में तो डॉटेड दिखाना होगा, और 10 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर आप लो, 1 सेंटीमीटर आपने यहां पर लिया। ठीक, और इसको कितना
1 सेंटीमीटर बाहर लीजिए और लेकर आइए नीचे। कहाँ तक? नीचे तक, यहां तक ले आओ। ठीक है, इसको ऐसे नीचे लेकर आइए यहां पर। ठीक है, एक यहां पर इसके जस्ट बगल में आपको लेयर बना देनी है। ठीक, और यहां पर इसको दिखा दीजिए कैसे ऐसे करके, और इसको बनाइए बैंड यहां पर इसके साथ। ठीक है, यहां पर आपने बनाया बैंड, ये आपका है यू शेप का बैंड, दिखा दो थोड़ा सा बाहर निकाल के ऐसे। यू शेप का आपने बैंड दिखाया ऐसे करके, क्लियर? और इसको फिट कर दीजिए पिन के साथ, यहाँ पर ऐसे कर दो, यहाँ पर ऐसे कर दो फिट। ठीक है, ये आपने क्लिप लगाए। अब आप क्या करें, यहाँ पर आइए, स्केल को 45 डिग्री पर सेट कीजिए और ब्रिक सिंबल शो कर दीजिए। ब्रिक सिंबल शो कर दीजिए। नेमिंग हम सभी बाद में कर देंगे, नेमिंग हम जितनी भी है सब बाद में कर देंगे। तो आपने ब्रिक सिंबल ऐसे शो किए, क्लियर है? तो ऐसे ब्रिक सिंबल यहाँ पर शो कर दीजिए, ये ब्रिक सिंबल आपको ऐसे शो करने हैं, क्योंकि ये आपकी क्या है, ब्रिक है, ब्रिक वॉल है आपकी, ये आपकी क्या है, ब्रिक वॉल। तो ऐसा आपने ब्रिक वॉल के सिंबल शो किए, क्लियर? अब इसको मैंने 0 पर किया सेट, इस साइड से मैं जिगजैग फॉर्म में इसको कटिंग कर देता हूँ। जिगजैग फॉर्म में मैंने इसको कटिंग किया, क्लियर? और यहां पर आप कर्व प्रोवाइड कर दो ऐसे, यहां पर आइए और सीमेंट कंक्रीट का कर्व ऐसा प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसमें कंक्रीटिंग दिखा दो कि डायरेक्ट ना जाए, जो भी वाटर आएगा ऐसे ड्रेन होकर ऐसे चले जाए। ठीक, अब आप नेमिंग दे सकते हो। ठीक है, सबसे नीचे आपने क्या प्रोवाइड किया, ये प्रोवाइड किया आपने 15 सेंटीमीटर थिक, मैं शॉर्ट में TS लिख रहा हूं, थिक RCC स्लैब। स्लैब उसके ऊपर आपने क्या प्रोवाइड किए, टू कोट हॉट बिटुमन। ठीक है, हॉट बिटुमन। अब आप उससे ऊपर क्या प्रोवाइड किया आपने, 5 सेंटीमीटर थिक, 5 सेंटीमीटर थिक थर्मल इंसुलेशन लेयर। इंसुलेशन लेयर, ठीक, उससे ऊपर आपने क्या प्रोवाइड किया, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर थिक क्या, लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट। ठीक, उससे ऊपर आपने क्या प्रोवाइड किया, 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। उससे ऊपर आपने क्या प्रोवाइड किया, उससे ऊपर आपने दी रूफ फिनिशिंग, यह है आपकी रूफ फिनिशिंग। फिनिशिंग कैसा, नीट सीमेंट, नीट सीमेंट, क्लियर है? अब यह आपकी यहां पर क्या है, ऊपर आपने क्या प्रोवाइड की, कोपिंग, यह है आपकी कोपिंग। कोपिंग, कोपिंग में आपने जो ये आपके पास यहां से लेकर यहां तक कि आपने ये थिकनेस ली, ये ली है 5 सेंटीमीटर, कितनी, 5 सेंटीमीटर, और टोटल यहां ऊपर तक हाइट आपने कितनी ली है, यहां से 1 सेंटीमीटर, 1 का मतलब 10 सेंटीमीटर, 1 का मतलब 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्केल में आई ना, 10 सेंटीमीटर। और ये आपकी क्या है, यह है आपकी पैरापिट वॉल, पैरापिट वॉल कितनी ली है, पैरापिट वॉल आपने, पैरापिट वॉल लिया आपने 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पैरापिट वॉल ली है। ठीक है, तो ये आपकी पैरापिट वॉल है, और आपका ये क्या कंप्लीट हो जाता है ऐसे,
ऐसा आपको ड्रॉ करके दिखाना है, ऐसा आपको ड्रॉ करके दिखाना है। यहां पर ये क्या है आपका, ये है आपका 10 सेंटीमीटर डायगा, 10 सेंटीमीटर फाई डायगा, रेन वॉटर पाइप, रेन वॉटर पाइप, ठीक है। ये आपका 10 सेंटीमीटर डायगा रेन वॉटर पाइप है, और आप ऐसे यहां पर शो कर सकते हैं। ये क्या आपने शो किया, RCC फ्लैट रूफ विद थर्मल इंसुलेशन लेयर, ठीक है। RCC फ्लैट रूफ विद थर्मल इंसुलेशन लेयर, हम बहुत तरीके से आपको बता सकते हैं ये, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट या लाइम कंक्रीट ही प्रोवाइड करना है, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पर क्या कंपैक्टेड सोइल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या कंपैक्टेड सोइल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, थर्मल थर्माकोल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम अलग अलग प्रोवाइड कर सकते हैं, जरूरी ये नहीं है कि यही प्रोवाइड करें, ठीक है। ठीक, तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक सिंपल है और आपको जल्दी याद हो जाए ये डेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।